बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया भर की अहम तरीन खबरें जानने के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं बैसत न्यूज़ नेटवर्क। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्की ज़रे मुबादला ज़खायर में शदीद कमी, सिर्फ 35 दिन की दरामदाद के डॉलर बाकी रह गए। कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस रहनुमा का कहना है कि कश्मीरियों के बहेमाना कत्लेआम की बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएं। इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका का यूक्रेन के लिए $4 बिलियन की नई फौजी इमदाद का ऐलान। आला इराकी रुकने पार्लियामेंट ने मुतालबा किया है कि इराक से अमरीकी जेरे क़यादत अफवाज का फौरी इनखला यकीनी बनाया जाए। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आपको बताएं कि मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में शदीद कमी वाक़ हुई है, सिर्फ 35 दिन की दरामदाद के डॉलर बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान के मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर एक हफ़्ते में मज़ीद 24.5 करोड़ डॉलर तक गिर गए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 35 दिन की दरामदाद के डॉलर बाकी रह गए हैं। वाज़ेह रहे कि एक हफ़्ते में मज़ीद 24.5 करोड़ डॉलर की कमी के बाद मुल्की डॉलर ज़खायर का मजमूई माली हजम 11.7 अरब डॉलर से कम होकर 11.4 अरब डॉलर रह गया है। आदादोशुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के पास 5.57 करोड़ 70 लाख डॉलर का ज़खीरा बाकी रह गया है, जबकि बैंकों के पास खातेदारों के 5.84 करोड़ 60 लाख डॉलर मौजूद हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस रहनुमा का कहना है कि कश्मीरियों के बहेमाना कत्लेआम की बैनुल अक्वामी अदालत इंसाफ से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने सोपोर कत्लेआम के मुतासरीन को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, इलाके की बिगड़ती हुई सूरत हाल को रोकने के लिए बैनुल अक्वामी मदाखलत की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि 1993 में भारतीय फौजियों ने सोपोर कस्बे को नजर आतिश करने के बाद 60 से ज्यादा शहरी शहीद और 400 से ज्यादा दुकानें और रिहायशी मकान जलाकर राख कर दिए। सितम बालाए सितम के मुतासर खानदान अभी तक इंसाफ के मुंतजर हैं, जबकि इस घनावने जुर्म के मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। हुरियत रहनुमाओं ने गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान इलाके में सोपोर जैसा कत्लेआम करने पर मोदी सरकार के इकदामात की शदीद मजम्मत की। नाजरीन मोहतरम, याद रहे कि सफाक भारतीय फौजियों ने सोपोर कस्बे में तोड़ फोड़ की, मासूम शहरियों को बेरहमी से गोली मार कर शहीद किया, जबकि लाखों एकड़ खड़ी फसलों और बागात को भी तबाह कर दिया। अमन और इंसानियत पर यकीन रखने वाले हर मुल्क की जिम्मेदारी है वो भारत को कश्मीर से बेदखल करने के लिए इकदामात यकीनी बनाए। और अब आपको बताएं कि इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट का कहना है कि हिजबुल्लाह इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसराइली अखबार यरूशलम पोस्ट में शाये होने वाले एक मजमून में वाज़ेह किया गया कि हिजबुल्लाह इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसराइली काबिज फौजी ने खबरदार किया कि हिजबुल्लाह के सिपाहियों ने शाम में तजर्बा हासिल किया। वो ज़्यादा आज़ाद ऑपरेटर हैं जो कि भारी ताकत रखते हुए जंग की तश्कील भी करते हैं। वाज़ेह रहे कि यह सूरत हाल हिजबुल्लाह की जानब से जारी करदा वीडियो पैगाम के बाद सामने आई। हिजबुल्लाह की जानब से जारी करदा वीडियो पैगाम में काबिज इसराइली फोर्सेस को बराह रास्त पैगाम दिया गया कि हम कसम खाते हैं, हम काबिल हैं और हम उबूर करेंगे। और अब आपको बताएं कि अमेरिका का यूक्रेन के लिए $4 बिलियन की नई फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया है।
जो बाइडन इंतजामिया ने यूक्रेन के लिए $4 बिलियन के एक नए फौजी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। इमदादी पैकेज में माइन रेजिस्टेंट एम्बेश प्रोटेक्टेड बख्तरबंद पर्सनल कैरियर और खुद से चलने वाले हुवेटर्स शामिल हैं। वाज़े रहे कि अमेरिका यूक्रेन को ब्रैडली बख्तरबंद गाड़ियां फराहम करने का भी मनसूबा बना रहा है, जो टैंकों समेत दीगर फौजी गाड़ियों को तबाह करने की सलाहियत के साथ दरमियाने और तवील फासले तक फायर पावर फराहम करती हैं। अमरीकी इंतजामिया यूक्रेन को आर्टिलरी सिस्टम, बख्तरबंद हमले के कैरियर, जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल और गोला बारूद भी भेजेगी। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि जब से रूस ने यूक्रेन में अपना खसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया, मगरबी ममालिक यूक्रेन को इस कदर हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद इसकी मिसाल नहीं मिलती। आला इराकी रुकने पार्लियामेंट ने मुतालबा किया है कि इराक से अमरीकी ज़ेरे क़यादत अफवाज का फौरी इनखला यकीनी बनाया जाए। इराकी पार्लियामेंट में फतह इत्तेहाद ने अमरीकी फ़ौज के हाथों इंसदाद दहशतगर्दी के आला कमांडरों के कत्ल की बरसी के बाद मुल्क से अमरीकी ज़ेरे क़यादत तमाम गैर मुल्की फ़ौजी दस्तों के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। इत्तेहाद के सरबराह हादी अल उमेरी ने यह मुतालबा इराक के आर्मी डे पर किया। उनका कहना था कि हम तमाम गैर मुल्की फौजी दस्तों के फौरी इनखला और कौमी खुद मुख्तारी के क़याम का मुतालबा करते हैं। नाजरीन मोहतरम, अमरीकी दावा है कि उसने इराक में अपना जंगी मिशन ख़त्म कर दिया है, जबकि तकरीबन 2500 अमरीकी फौजी अब भी अरब मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसे वाशिंगटन मुशावरती मिशन के तौर पर बयान करता है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। दुनिया भर की मजीद अहम तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए बैसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।